सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में उनको दोषी करार दिया है। कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। अब राहुल गांधी को अदालत के द्वारा दोषी करार देने और 2 साल की सजा सुनाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस मामले में भारतीय संविधान क्या कहता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी नेता को 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। इसी के साथ अगर कोई विधायक या सांसद है तो वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है और उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की सजा अभी निलंबित है, ऐसे में अभी उनकी संसद सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर उच्च अदालतों से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है और ऊंची अदालतें निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि ऐसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आज राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी 30 दिन तक हाईकोर्ट में इसको चुनौती दे सकेंगे।